अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन काम लैलतल क़द्र ईमान व इहतिसाबा व फिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी जो शख्स ईमान की हालत में खलूस नियत के साथ लैलतुल क़द्र में इबादत करता है अल्लाह उसके गुजशत गुनाहों को माफ फरमा देते हैं ये रवायत सही बुखारी में मौजूद है हजरत उमुल अम्म आशर जी अल्लाह तरमाती हैं रसूल अक्रम सरमाया तो हर रौली तदर फ़िलवर मिनलाशरवा ममज़ान के रम़ान मुबारक की आखिरी अशरे की ताक रतों में ललतुल्कदर को तलाश करो यानी इक्कीस तेईस पच्चीस सत्ताईस उनतीस ये पाँच रातें जो ताक रतें बनती हैं ये रवायत भी सही बुखारी के अंदर मौजूद है लैलतुल क़दर को तलाश करना लैलतुल क़दर के लिए मेहनत करना लैलतुल क़दर के लिए जागना रसूल अक्रम सम का मुबारक आमल है रसूल अक्रम सूम हैं पूरी इंसानियत के सरदार हैं अल्लाह के महबूब और मकर्र बंदे हैं इसके बावजूद भी तलाश फरमारें इससे अंदाज़ा फ़रमाएँ कि हमें किस कदर तवज्जो के साथ लयातर की रात को हासिल करने के लिए मेहनत करनी चाहिए नज़रतमोमिन नमी अशर रजी अल्लाह तरर्स किया रसूल अल्लाह मैं अगर इस रात को पालूँ तो मुझे फ़रमाए मैं दुआ कौन सी मांगूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रमायाफ़ुन ए अल्लाह आप दरगुजर करने वाले हैं दरगुजर करने को पसंद फरमाते हैं मेरे साथ भी दरगुज़र फरमा दें ये दुआ मांगनी चाहिए यहाँ जो बहुत अहम बात है उसको ज़ैनशीन फ़रमा लें कि नबी करीम सल्लम ने ललतलकदर पर कदर की रात इबादत करने पर और खसूस लैलात कदर के क़याम पर जो मफ़रत का वादा फरमाया है उसमें दो चीज़ें फरमाई हैं नंबर एक ईमान नंबर दो एहत ईमानन का माना है अकायद का ठीक होना एहतबन का माना है नियत का ठीक होना मालूम हुआ कि जिस तरह रिया शोहरत और दिखावा अमल को बर्बाद कर देता है इसी तरह अकीदे का ख़राब होना ये अमल को तबाह कर देता है मैं इसे समझाने के लिए इस बढ़ कर एक बात कहने लगाऊँ फासिद हो, अमल अमल बनता ही नहीं है अकीदा ठीक ना हो तो नेक अमल शुमारी नेक अमल नहीं होता पहली शर्त है कि अक़ीदा ठीक हो अक़दा ठीक होगा तो इसके नामा अमाल में बतौर नेक अमल लिखा जा सकता है नेक अमल बन सकता है अमले साल शुमार हो सकता है अब ठीक नीयत के साथ आए तो कबूल हो जाएगा अगर ठीक नीयत नहीं है तो कबूल नहीं होगा तो एक है किसी अमल का नेक अमल होना एक है फिर उसका कबूल होना तो नेक अम... किसी अमल के अमल साले बनने के लिए बुनियादी चीज़ अकीदा है फिर उस अमल साले के कबूल होने के लिए बुनियादी चीज़ व नीयत का ठीक होना है कबूलीत अमाल के लिए तीन बातें बहुत ज़रूरी होती हैं: अकीदा ठीक हो नीयत ठीक हो अमल सुन्नत के मुताबिक हो अकीदा ठीक नहीं है अमल सालई नहीं है सुनत के मुताबिक नहीं है अमल सालई नहीं है और अगर अकीदा ठीक है अमल सुन्नत के मुताबिक है तो अमल तो साले बन गया है लेकिन चूँकि नहीं यह ठीक नहीं है तो कबूल ही नहीं होगा इसलिए इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है बाकी मैं अर्ज़ करता हूँ अगर रात भर क़्याम न कर सकें नमाफिल न पढ़ सकें तलावत ज़्यादा न कर सकें असकार ज़्यादा न कर सकें इशा की नमाज़ जमात के साथ पढ़ें दो रकात सुन्नत पढ़ें बीस रकात तरावी पढ़ें तीन रकात वितर पढ़ें और सो सोजें गुनाह ना करें फजूल गप्पे न लगाएं, गिबत ना करें और सुबह तहजद पढ़ लें सहरी खा लें और अपने दीगर अमाल के अंदर मशगूल हो जाएँ अल्लाह ताला से उम्मीद है अल्लाह ताला आरत इबादत करने का अजर ताफरमा देंगे इसलिए इस रात को बहुत कीमती बनाएं और कीमती से कीमती बनाएं ये जमात एहतमाम ये मर्दों के लिए ख़ातिन के लिए तो मस्जिद की तरावी भी नहीं मस्जिद की जमात भी नहीं मस्जिद में आकर फ़र्ज़ नमाज की जमात भी नहीं खुवा का तो घर का मामला है इफ्तारी कराएँ उसके बाद कुछ वक्त के बाद इशा के फ़र्ज पढ़ें सुनत पढ़ें तरावी पढ़ें आराम करें शोहर ने बच्चों ने तरावी पढ़ के आना हो कोई तकाजा हो तो तैयार करके खिलाएं, नहीं है तो आराम करें सुबह उठ के तजुद पढ़ें सहरी तैयार करें इन अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह तालीलाकदर का अजर अता फरमाएँगे इस रात को सया न करें ज़िंदगी में कभी कभी आती है ना मालूम आइंदा रमज़ान में जियेंगे या नहीं जियेंगे इस दुनिया में होंगे या नहीं होंगे अल्लाह तल हम सबालतदर की नामत अता फ़रमा दे واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين